हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मम्मी। दिस इज मी शैली एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें, ऐसे टिप्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बच्चे को इंग्लिश समझने और लर्न करने में। ये सारी चीज़ें वो हैं जो दर्श के साथ मैंने करी हैं या दर्श को मैंने सिखाई हैं किस तरीके से। लाइक ही इज़ जस्ट 4 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ वेरी मच कम्फर्टेबल कि वो इंग्लिश में बात कर पाता है, इंग्लिश में बात समझ पाता है। तो वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमने की थी। अगर वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हम बच्चों से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ पोस्ट करें आपको उनके बारे में टाइम पर पता लगता रहे। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टू द वीडियो, मैं एक अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लिए, मेरे हिसाब से इंग्लिश जो है एक काइंड ऑफ एक कम्युनिकेशन का मोड है, एक लैंग्वेज है, और बच्चा किसी भी लैंग्वेज में अपनी बात को कम्युनिकेट करे। इट्स इम्पॉर्टेंट कि बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वहाँ पर वो लैंग्वेज के लिए वो कम्फर्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा इंग्लिश में बात करता है बट उसके आसपास जो लोग हैं उनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा हिंदी इंग्लिश, हिंदी जैसे एग्जांपल के आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सब लोग हिंदी बोलते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दर्श को इंग्लिश आए ना आए पर उसको हिंदी जरूर आनी चाहिए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज वेल कि आपका बच्चा जहाँ भी रहता है, जिन लोगों के साथ वो रहता है, जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं, बच्चे को उसके साथ साथ इंग्लिश आनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि अगर मेरे बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो स्मार्ट नहीं है। जिसको इंग्लिश आती है बहुत बच्चा स्मार्ट होगा। इंग्लिश कोई स्मार्टनेस का पैरामीटर नहीं है, वो जस्ट एक कम्युनिकेशन का मोड है। और बच्चा ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लैंग्वेजेस को आए उतना अच्छा है, उतना उसके लिए आगे जाके उसको फ़ायदा होता है। तो ये दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, बट डेफिनेटली दर्श अभी 4 साल का है और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही काफ़ी कम्फर्टेबल है। वो दोनों ही लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेता है, अच्छे से बोल लेता है बहुत क्लियरली। तो मैं आपको जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ ये एक्चुअल में आप किसी भी लैंग्वेज पे अप्लाई कर सकते हैं, नॉट जस्ट इंग्लिश। बट डेफिनेटली मदर टंग तो बच्चे सीख ही जाते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तो मैं इंग्लिश का एग्जांपल ले रही हूँ बट आप डेफिनेटली किसी भी लैंग्वेज के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आपका बच्चा जितना छोटा होगा उतने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बट ऐसा नहीं कि आपका बच्चा अगर 5-6 साल का है तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ ये हर एज ग्रुप पे एप्लीकेबल है। तो आपका बच्चा अगर 5 साल का है तो भी आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं, आपका बच्चा 2 साल का है तो भी आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे ने भी बोलना शुरू नहीं किया है तो डेफिनेटली ये हेल्पफुल होंगे ही होंगे। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और इस सारे ही चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो आई होप कि सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले टिप की तरफ। सबसे पहला बेसिक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं बच्चा बात करे, आप उसी लैंग्वेज में उससे बात कीजिए। यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चे से ज़्यादा बातें करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करें ताकि बच्चे भी उस लैंग्वेज को पिक करे, उस लैंग्वेज को समझे, उस लैंग्वेज के वर्ड उसको समझ में आए कि इस लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में पंखे को फैन बोलते हैं, इस चीज़ को फैन बोलते हैं, इंग्लिश में इस चीज़ को मग बोलते हैं, इस चीज़ को स्पून बोलते हैं। और आपको बहुत हाई फाई इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप बहुत ही बेसिक और सिंपल इंग्लिश, सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, बच्चों को साथ इंग्लिश बोलने में ये तो बहुत ही ईजी है कि आप बहुत ही बेसिक और सिंपल सेंटेंस बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि जो आपकी डेली रूटीन की बातें हैं, खाना खाने को लेकर, बात करने को लेकर, सोने को लेकर, प्ले करने को लेकर, इन सारी चीज़ों में अगर आप इंग्लिश के वर्ड यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो डेफिनेटली बच्चा उन वर्ड्स को अपने दिमाग में रजिस्टर करेगा, उन वर्ड्स उसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। बच्चा चाहे बोलता है या नहीं बोलता है, दोनों ही केसेस में अगर आप पंखे को हमेशा ही फैन बोलेंगे तो बच्चा भी उसको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ हमेशा फैन ही होती है, और धीरे धीरे करके वो उस वर्ड को बोलना स्टार्ट भी कर देगा। नाउ आपको नेक्स्ट चीज़ ये करनी है कि आप बच्चे को जब भी कोई इंग्लिश का वर्ड बोल रहे हैं या कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो उस सेंटेंस में जो भी चीज़ आप बच्चे को समझाना चाह रहे हैं आप उसका जेस्चर कीजिए, मतलब इशारा करके बताइए या वो काम करके बताइए या बच्चे को वो चीज़ दिखा के बोलिए। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को बोलना चाहते हैं सिट डाउन,
तो आप उसको या तो बैठ कर दिखाइए जब आप सिट डाउन बोल रहे हैं, या आप उसको इशारा कीजिए बैठने का, या अगर बच्चे को हिंदी में पता है कि इस चीज़ को बैठना बोलते हैं तो आप उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड बोलिए, जैसे कि बच्चा बेटा बैठ जाओ, सिट डाउन, इस तरीके से करके बच्चे को समझ में आएगा कि इस चीज़ को सिट डाउन करना बोलते हैं। ऐसे ही और सब चीज़ों को आप, जैसे हमने भी फैन का एग्जांपल लिया था, तो इसी तरीके से स्पून है, प्लेट है, बोल है, मग है, कप है, किसी भी चीज़, जो भी चीज़ आप बच्चे को दिखाना चाह रहे हैं या आप उसको चाहते हैं कि वो उस चीज़ को इंग्लिश में पिक करे, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसको इनिशियली हर चीज़ को या जिस भी वर्ड को आप पहली बार बच्चे को बता रहे हैं, हमेशा उसका मीनिंग ज़रूर उसको समझ में आए कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं उसको वो किस चीज़ से रिलेट कर सकता है। अगर कोई चीज़ वो सामने देख रहा है, जब फ्रूट, आप उसको फ्रूट्स के नाम बता रहे हैं, वो उस फ्रूट को देख रहा है, तो उस इमेज से वो उस वर्ड को रिलेट कर पाएगा जब भी आप उसको बताएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, आपको बच्चे को बुक्स रीड करनी है। जनरली छोटे बच्चों को हम स्टोरी बुक से ज़्यादा रीड करते हैं, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप इंग्लिश स्टोरी की बुक ज़्यादा रीड कीजिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश में ज़्यादा बात करे। एंड ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जब आप चीज़ों को रीड करते हैं बच्चे को स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट आता है, और आप उस स्टोरी को थोड़ा सा ड्रामेटिकली, जैसे अगर आप लायन के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा वॉइस हैवी करके बात कीजिए, आप रैबिट के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी क्यूट वॉइस में बात कीजिए, इस तरीके से उस स्टोरी में थोड़ा सा अगर आप ड्रामा ऐड करके बच्चे को बताएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट और फोकस दोनों रहेगा। एक तो स्टोरी बच्चों को वैसे ही पसंद होती है, और अगर वो उस पर फोकस भी करेगा, उसको उसका मीनिंग जानने की भी कोशिश करेगा, तो अगर आप बच्चे को रेगुलरली इंग्लिश में ही बुक रीड कर रहे हैं, वो तो अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तब भी आप कर सकते हैं इंग्लिश रीडिंग, तो बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट लेगा और धीरे धीरे वो उन वर्ड्स को, जिन वर्ड्स को वो सुन रहा है, जिन वर्ड्स को वो समझ रहा है स्टोरी में, उनको भी वो पिक करेगा। अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो यूजुअली इस एज के हर बच्चे का कुछ ना कुछ स्क्रीन टाइम जरूर होता है, वो राइम्स देख रहे होते हैं, कार्टून्स देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर उनके रूटीन में होता है, तो आप ये प्रेफर कीजिए कि आप बच्चे को राइम्स या यूट्यूब कार्टून जो भी बच्चा देखता है वो इंग्लिश वाला ही दिखाइए। बच्चे जब इंग्लिश, और लेकिन अभी ध्यान रखिए कि जब बच्चे ने थोड़ा थोड़ा अपना बोलना स्टार्ट कर दिया है तभी आप उसका स्क्रीन टाइम स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा। और आप उसको अगर उस टाइम पे इंग्लिश के कार्टून दिखाएंगे या इंग्लिश वाले ही राइम्स सिखाएंगे तो उस केस में डेफिनेटली बच्चे उस लैंग्वेज को रजिस्टर करना स्टार्ट करेंगे और डेफिनेटली वो उन वर्ड्स को बोलना स्टार्ट करेंगे। बच्चे जो टीवी में देखते हैं उसको वैसे भी बहुत ज़्यादा मिमिक करते हैं, बहुत जल्दी पिक भी करते हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि आप बच्चे को हिंदी की राइम्स ना दिखा करके इंग्लिश की ही राइम्स दिखाइए। इसके अलावा आप कोई टॉकिंग वाला गैजेट भी ले सकते हैं, जैसे एलेक्सा है या गूगल का भी आता है, तो उनसे क्या होगा, उनमें आप जो भी कमांड देते हैं वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज सेट की हुई है अपने एलेक्सा में, तो आप इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो आप इंग्लिश में कमांड देते हैं, एलेक्सा भी इंग्लिश में ही आंसर करती है, आप उस पर राइम भी प्ले कर सकते हैं, आप उस पर इंग्लिश के सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में, तो उसी तरीके से बच्चा भी एनकरेज होगा और बच्चे को कोई बात करने के लिए भी मिल जाएगा इंग्लिश में। ये हमारे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा था कि अगर हम थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है, हम दर्श के पास नहीं बैठे हैं, तो वो एलेक्सा से बहुत बातें करता था एंड एलेक्सा उसको इंग्लिश में ही रिप्लाई करती थी, तो वो भी ट्राई करता था कि वो उसको इंग्लिश में ही आंसर करे। तो आप ये भी कर सकते हैं, इस तरीके के गैजेट भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो बच्चे को एनकरेज करते हैं कि बच्चा उसी लैंग्वेज में बात करे, उसी लैंग्वेज को सुने। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बच्चे को स्क्रीन टाइम देना अवॉइड कर रहे हैं तो उस केस में भी इस टाइप के गैजेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश राइम, इंग्लिश टॉकिंग उसमें बच्चों के लिए चला सकते हैं। नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके सोसाइटी में या आपके एरिया में ऐसे बच्चे जो आपको पता है कि जो इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उन बच्चों के साथ अपने बच्चे की प्लेडेट सेट करें या उन बच्चों के साथ पार्क में टाइम स्पेंड करने के लिए इनकरेज करिए अपने बच्चे को। तो उससे क्या होगा, बच्चा जब दूसरे बच्चे को इंग्लिश बोलते हुए सुनेगा तो वो भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा, वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को पिक करेगा, काफ़ी जल्दी करेगा। ये प्लेडेट वाला मतलब हमने कभी यूज़ नहीं किया, बट एक बार हुआ था कि हम कहीं घूमने गए थे, आई बिलीव लैंसडाउन गए थे, एंड वहाँ पे काफ़ी छोटी सी दर्श की एज ग्रुप की ही एक लड़की हमको मिली, एंड उसका जो एक्सेंट था वो थोड़ा सा एक काइंड ऑफ लाइक अमेरिकन एक्सेंट में वो बात कर रही थी, एंड दर्श उसके साथ 1 घंटा रहा, उसका एक्सेंट चेंज हो गया। तो बच्चों को देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो अगर ऐसा है, अगर आप
आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप आपके आसपास इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे की प्ले डेट, प्ले ग्रुप उन बच्चों के साथ सेट करें, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आपको एक ये करना है कि स्पेसिफिकली अगर आपका बच्चा छोटा है या अभी इंग्लिश को पूरा अच्छे से नहीं बोलता है, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, एक या दो वर्ड बोलते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं, दो ढाई साल तक के बच्चे। या अगर बच्चा बड़ा है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो क्या होगा, आधा सेंटेंस हिंदी में बोल रहा है, आधा सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहा है। तो इस केस में आपको बच्चे का सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे मैं आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रही हूँ कि बच्चे को बलून चाहिए, वो बलून से प्ले करना चाहता है। लेट्स से बच्चे ने बोला बलून, तो आपको उसका सेंटेंस पूरा करना है। यू वांट टू से दैट यू वांट टू प्ले विद बलून, और यू कैन से आई वांट टू प्ले विद बलून और आई वांट बलून। इस तरीके से करके जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट कीजिए, ताकि बच्चे को समझ में आए कि उसको ये चीज कैसे बोलनी चाहिए थी। अब आपको इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, आई वांट टू प्ले विद बलून, आई वुड लाइक टू प्ले विद बलून, आई लाइक येलो बलून। तो जितना भी आप डिटेल में उस सेंटेंस को बोलेंगे, बच्चे को उतनी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, उतनी ज्यादा चीजें वो पिक करेगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा कोई चीज बोलने का ट्राई कर रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसको बलून का नाम बोलने का ट्राई कर रहा है और ही इज थिंकिंग, उस केस में आपको बच्चे को इंटरप्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है थोड़ा सा कि बच्चा अपने आप से सोचे कि इस चीज को क्या बोलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम बच्चे ने गिव अप कर दिया है, उसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज को क्या बोलते हैं, या उसने हिंदी में बोल दिया है, तब आप उसको बताइए, आप उसको करेक्ट कीजिए, बट आप उसका सेंटेंस इंटरप्ट मत कीजिए। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लाइक उनको प्रोसेस करने में, सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। स्पेसिफिकली 4 साल तक के बच्चों के साथ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको इंटरप्ट ना करें। अगर आपको लग रहा है कि वो एफर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को बोलने में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उनको इंटरप्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेट देम थिंक कि, और फिर वो अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो खुद से वो आपको इशारा करके किसी ना किसी तरीके से बता ही देंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब आपको उनको करेक्ट करना है। तो उनको करेक्ट कीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए। इसके अलावा कई बार हम इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि घर में सिर्फ लेट से मैं ही बच्चे से इंग्लिश में बात करती हूँ, बट बाकी सब तो हिंदी में बात करते हैं, तो बच्चा कैसे सीखेगा। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ थी, हमारे यहाँ पे मैं उससे सिर्फ इंग्लिश में बात करती थी, बाकी पूरा मतलब जिनसे भी वो मिलता था, जिनके साथ भी वो रहता था, इवन वो दिन में मेट के साथ काफी टाइम स्पेंड करता था, जब मेरी कोई भी मीटिंग वगैरह होती थी, सब लोग उसे हिंदी में बात करते थे। तो उस केस में क्या हुआ, उसने हिंदी और इंग्लिश अपने दोनों लैंग्वेज पिक करी, और यूजुअली क्या होता था, वो मुझसे इंग्लिश में बात करता था, बाकी लोगों से हिंदी में बात करता था। तो आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत दीजिए कि बच्चा आपको कोई और इंग्लिश में बात नहीं करता है। उस केस में बच्चा आपकी जो भी मदर टंग है, जिस लैंग्वेज में बाकी सब लोग बात करते हैं, प्लस इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, वो दोनों लैंग्वेज ही पिक कर लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 5 साल से छोटे बच्चे तो बहुत ही शार्प होते हैं इस चीज के मामले में, कि बच्चे को जितनी लैंग्वेज आप ज्यादा सिखाएंगे, बच्चे सारी लैंग्वेज सीख लेते हैं, और 2 लैंग्वेज तो उनके लिए बहुत इजी सी चीज है। तो इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप उससे इंग्लिश में बात करते रहिए अगर आप उसको इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको इस चीज के लिए बहुत केयरफुल रहना है कि आपको इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट नहीं करना है, यहाँ पे एक लैंग्वेज के तरीके से ही ट्रीट करना है। आप जब बच्चे से नॉर्मली हिंदी में बात कर रहे होते हैं, तो आप बार बार उसका टेस्ट नहीं लेते हैं कि अच्छा मैंने कल तुमको ये शब्द सिखाया था, क्या तुमको ये शब्द अभी याद हुआ या नहीं हुआ। तो सेम चीज आपको इंग्लिश में भी करनी है, आप उसको जो भी सिखा रहे हैं आपको बार बार उसको टेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि टेस्ट लेने से बच्चा इरिटेट हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा प्रेशर फील करेगा। आपको उसको बिल्कुल एक सिंपल रूटीन की तरह से इंक्लूड करना है बच्चे के साथ। आप उसको ये सिखाते रहिए, आप अगर उसे आज कोई नया वर्ड सिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने आज उसे बुक्स सिखाया है, तो आप दिन में मल्टीपल टाइम बुक्स वर्ड यूज कीजिए, उसको दिखा के, उसको टच करा के, उसको अलग अलग तरीके से आप उसको बुक से रिलेटेड राइम दिखा सकते हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में वो बुक वर्ड बैठ जाए। इस तरीके से आपको बहुत रूटीन में उसको सिखाना है, बहुत ही सिंपल चीजों से आपको स्टार्ट करना है, बहुत हाई फाई चीजों से स्टार्ट नहीं करना है। वैसे भी अगर बच्चा छोटा है तो हाई फाई वर्ड तो बोल भी नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आपको बच्चे को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है, जस्ट सिंपल जैसे आप उसको हिंदी में बात करते हैं वैसे आप उसको इंग्लिश में बात करनी है। कोई डेली बेसिस पे उसका टेस्ट नहीं लेना है, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं उससे। नाउ मेरा लास्ट स्टेप जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बी कंसिस्टेंट। आपको पेशेंस के साथ बस अपना लगे रहना है, बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाएगा।
और सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जो वो देखता है, जो वो सुनता है, वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है। आपको बस जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं उतना जल्दी बच्चा सीखेगा, उतना बेटर आपके लिए रहेगा, उतना ईजी रहेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक एज है जो निकल गई है, जस्ट जिस एज में आप हैं आप आज से स्टार्ट कर लीजिए, वो ही बेस्ट टाइम है। और कंसिस्टेंटली इस प्रैक्टिस को फॉलो करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को 2 महीने इंग्लिश सिखाई और उसके बाद आप उसको स्टॉप कर देंगे, ऐसा तो वैसे भी नहीं होने वाला है। आपको बच्चे से उसी लैंग्वेज में रेगुलरली बात करनी है, हमेशा बात करनी है। सो दैट्स इट, यही सारी चीजें थी जो हमने फॉलो की थी दर्श के साथ और उन्होंने हमें काफी हेल्प किया। आज ही मैंने दर्श के एक्चुअली स्कूल में फीडबैक लिया था कि वो लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू तो उसको नहीं हो रहा है, एंड यू नो कि ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा सा एक्सेंट डिफरेंट होता है एंड 4 साल के बच्चे के लिए काफ़ी बड़ा चेंज है, क्योंकि इंडिया वाले स्कूल में भी वो इंग्लिश ही ज़्यादा यूज़ करते थे, बट इट्स काइंड ऑफ लाइक मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड एक्सेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड जो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं वो भी हम बहुत सिंपल सी और बहुत धीरे धीरे वर्ड यूज़ करते थे ताकि दर्श को समझ में आए कि हम क्लियरली हम बोलते थे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बट डेफिनेटली अब वो जब ब्रिटिश बच्चों के साथ वो बैठ रहा है तो वो तो बहुत फ्लुएंट बोलते हैं, टीचर्स बहुत फ्लुएंट बोलते हैं, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन थी कि पता नहीं वो कैसे मैनेज कर रहा होगा। बट आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि उसके टीचर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, उसको कोई भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो इजिली अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहा है। फॉर एवरी थिंग टीचर्स उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो बहुत ईजिली उनको समझ लेता है। एंड अभी वो डेली आके कुछ ना कुछ वो 2-3 नए वर्ड सीख के आता है, फिर वो उनको ट्राई करता है मेरे साथ यूज करने की, या मुझे बताता है जब मैं उसे पूछती हूँ स्कूल के बारे में। तो बट एक चीज हुई है, अब वो चाहता है कि हम उसे हिंदी में बात करें, उस समय हमें टोकने लग गया है कि आप टीचर नहीं हो, आप हिंदी में बात करो। ठीक है, आई थिंक वो शायद मिस कर रहा है कि उससे कोई हिंदी में बात नहीं करता है। बट दिस इज जस्ट फॉर फन, आई वॉन्टेड टू शेयर कि ठीक है इन टिप्स को फॉलो करके हमें क्या फायदा हुआ है, एंड अगर हम यहाँ पे नहीं आते तो शायद वो इतनी इंग्लिश यूज नहीं करता। बट डेफिनेटली ये सारी चीजों ने हमें बहुत हेल्प किया है, उसका उसको अभी 1 वीक हुआ है स्कूल जाते हुए, एंड उसका जो इंडिया वाले स्कूल से इंग्लैंड के स्कूल में जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्मूथ रहा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लैंग्वेज की वजह से। तो डेफिनेटली आई कैन से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि इन सारी चीजों ने हमें बहुत हेल्प किया है एंड आपको भी बहुत हेल्प करेंगे। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ, डेफिनेटली उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे हेल्पफुल टिप्स कौन सा लगा। एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई प्रॉब्लम है आपकी, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।